सुशीला जी, बोलिए ना उमेश जी। क्या आप मेरे साथ डेट पे चलोगे? जरूर उमेश जी, लेकिन हम जाएंगे कहाँ पे? मेरे पास 10 रुपए, स्टारबक्स जाएंगे, दूध चाय पियेंगे। अभी खोखले इंसान 10 रुपए में स्टारबक्स ले जाएगा, और ऊपर से स्टारबक्स में चाय कौन तेरा बाप बेचता है? हटो, सारा मूड खराब कर दिया। सुशीला जी रुकिए, मैंने झूठ बोला था, मेरे पास 20 रुपए। वैलेंटाइंस डे कपल लोगों के लिए ऐसा दिन जहाँ पे ये लोग चुम्मा चाटी करते हैं, और सिंगल लोगों के लिए ऐसा दिन जहाँ पे उन्हें वो कितने बड़े लूजर एंड अगली है ये याद दिलाया जाता है। मैं किसी नंबर से इतना नहीं डरा जिंदगी में जितना कि 14 फरवरी से। ये दिन मुझे अपनी नाकामयाबी की याद दिलाता है कि मैं लड़कियां पटाने में ही नहीं जिंदगी में भी नाकाम हूँ। मुझे पहली बात तो ये समझ नहीं आता कि एक ऐसा दिन एग्जिस्ट भी क्यों करता है। लिटरली मेरे पास इस दिन के बदले 3 ऐसे दिन के आइडियाज है जो कि इससे कहीं गुना बेहतर है, जो कि मैं एंड में बताऊंगा। ओके, अब देखो हम सब ब्राउन फैमिली का हिस्सा है, हमारी फैमिलीज में अरेंज मैरिज को ज्यादा भाव दिया जाता है। बट आई एम श्योर अगर तुम्हारे मेरे जैसे पेरेंट्स है तो उन्होंने ये बोला होगा कि बेटा चाहे तो लव मैरिज कर ले, लेकिन लड़की अच्छी होनी चाहिए। अरे पापा जी, लव मैरिज तब करूंगा ना जब कोई लड़की मिलेगी। आप खुद ढूंढ के दो ना। अब तो जब भी इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप जो भी खोलता हूँ, हर चीज मीम्स के नाम पे मेरा मजाक उड़ाते हैं। रात को नींद की जगह खाई से कूद जाओ वैसे ख्याल आते हैं। एंड कुछ महीने पहले की बात है, अरे भाई सुनना, वो अपने कॉलेज में एक लड़की है, उसका आज मुझे मैसेज आया भाई, मेरे से नोट्स मांग रही थी। मुझे तो लगता है वो मुझे पसंद करती है भाई, कोई टिप्स देना। भाई तू बहुत सही बंदी के पास आया, मेरे पे बहुत नॉलेज है। इस मासूम मानुष को लगता है कि मेरी 6 गर्लफ्रेंड्स रह चुकी है, अब इसे क्या पता मैं अपने सपनों की वाइफ्स को भी रियल गर्लफ्रेंड्स में काउंट करता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 मेरी 6 गर्लफ्रेंड्स है। तो मैंने उसको अपने सस्ते सजेशंस दिए कि जोक्स मार, रिप्लाई शॉर्ट रख और कॉन्फिडेंस बन। या ये सस्ते टिप्स मैं खुद किसी सस्ते यूट्यूबर के वीडियो से देख के बता रहा था। हेलो भाई, मेरा नाम एंड्रू 8 है भाई, तू ये वीडियो देख रहा है इसका मतलब तू लूजर है भाई, तेरी कोई बंदी नहीं है। लेकिन टेंशन नहीं भाई, आज के बाद तेरी जिंदगी बदलने वाली है। मेरी खुद की अभी 106 गर्लफ्रेंड्स और 70-1 लंबोर्गिनी है भाई, बस मेरा ये कोर्स लो भाई 30,000 में, तेरी जिंदगी सेट भाई सेट। वैसे मुझे फुल कॉन्फिडेंस था कि इससे नहीं पटेगी। नहीं, मैं चाहता भी था कि ना पटे, मैं सिंगल हूँ तो मेरे दोस्त भी सिंगल रहेंगे। 2 दिन बाद भाई वो पट गई। अभी एनिमेटर भाई की फेक खुशी स्टार्ट होगी इन 3, 2, 1। अबे बधाई बधाई, मैं बोला था ना मेरा ट्रिक काम करेगा, चल चप्पी दे चप्पी। क्या भगवान असली होते हैं। वैसे टेंशन की कोई बात नहीं, जिस दिन वो डेट पे गया था उसके साथ मैंने बजरंग दल को भी मैसेज पहुंचा दिया। नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ, वैसे मुझे करना चाहिए था। नॉट टू फ्लैक्स, वैसे मेरी भी गर्लफ्रेंड थी, एंड लेट मी टेल यू मेरा उसके साथ एक्सपीरियंस कैसा था। वो हर चीज पे गुस्सा होती थी, मेरा सिर फोड़ती थी, इन सिंपल वर्ड्स वो स्पेशल थी। सुबह गुड मॉर्निंग का मैसेज क्यों नहीं भेजा साले? अब देखो मैं बुद्धू बंदा, मुझे खुद के बारे में ज्यादा नहीं पता, कभी कभार बैठे जगह पे मैं सोचता हूँ कि कहीं मैं एलियन तो नहीं हूँ, क्या हम सब सिमुलेशन में जी रहे हैं। या एंड वो चाहती है कि मैं उसे समझूं, लाइक वो बोलती थी ये लास्ट चिप तू खा ले। क्यों खाया तूने? तूने ही तो बोला था खा ले, तू तो मुझे दे देता ना, खुद क्यों खाया? ये ले तेरा चिप चाट। और साला वैलेंटाइंस डे की तो बात करो ही मत, मैं पहले से गरीब इंसान हूँ, इतना गरीब कि मेरे वॉलेट को भी मुझ पे दया कि एक बार 1 रुपए स्पॉन कर दिया था और मैंने उससे चॉकलेट ले लिया। सो ये टेडी डे चॉकलेट डे लगा रहे थे मेरे लव डे। ब्रदर आई हैड इनफ ऑफ रिलेशनशिप्स, मुझे सुन पता चला कि ये सब मेरे लिए नहीं था, लेकिन मैं ठरकी एंड नीडी हूँ, अभी भी कोई लड़की मुझे जस्ट देखती भी है ना। हाँ तुझे क्यूट लगा ना, मैं क्यूट लगा ना, ये ले मेरा नंबर, कॉल कर। लेकिन फिकर नहीं लौंडो, इस बार मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। वैसे मुझे सिंगल लड़कियों का तो नहीं पता कि इस दिन तुम लोग क्या करती हो, बट मैं तुम्हें हम सिंगल लड़कों का वैलेंटाइंस डे का प्लान बताता हूँ। पहला तो हम घर में ही रहते हैं, बाहर बिल्कुल पैर नहीं रखते ताकि दूसरों को खुश देख के अपनी ना जले। और दूसरा जोमैटो और बिग्गी से जम के खाना मंगाना, क्योंकि ये बॉडी मेंटेन कर भी रहे तो किसके लिए कर रहे हम, जम के खाओ मोटे हो जाओ। और तीसरा अपने जैसे और सिंगल लड़कों के साथ वीडियो गेम्स खेलना। ये रुक, कवर दे। जीत गए गेम में, तो जीत गया प्रदीप, जिंदगी में कब जीतेगा। देखो जैसा कि मैंने बोला था कि मैं वैलेंटाइंस डे के बदले में कोई अल्टरनेट बताऊंगा, कुछ ऐसे डेज जो कि एक्चुअली में अच्छे हैं, जिसको तुम 14 फरवरी में इस डे से रिप्लेस कर सकते हो। पहला वाला है मैचिंग शर्ट डे, जहाँ पे दुनिया के सारे लोग उस दिन एक ही टाइप का कपड़ा पहन के घूमेंगे, और जिसने भी मैचिंग कपड़े नहीं पहने उसको लाठी से मारेंगे, जस्ट लाइक बजरंग दल। दूसरा वाला है
हैप्पी डे। नहीं तुम जैसा सोच रहे हो इसमें वैसा फोर्सफुली खुद को स्माइल करके हैप्पी नहीं करना है। इसमें दुनिया के सारे अमीर लोग अपना पैसा मिला के हम जैसे गरीब बच्चों के लिए PS5 एंड गेमिंग PC लेके देंगे और हमें हैप्पी करेंगे। और तीसरा है फ्री फूड डे, जहाँ पे दुनिया के सारे दुकानों से लेके रेस्टोरेंट्स जो सब भी है वो सब अपना खाना फ्री करेंगे, जो चाहे 200 एक रुपया भी नहीं देना। ये तीन मेरे डेज है जिनको मैं हैप्पीली वैलेंटाइंस डे की जगह रिप्लेस करूंगा। हैप्पीली तुम लोग मुझे अपना आइडिया बताओ कि तुम लोग इस दिन को किससे रिप्लेस करते हैं। मे बी हम दुनिया के प्रेसिडेंट तक ये वीडियो पहुंचाएंगे और हम सबके डेज में से कोई एक डे तो पिक होगा जो इससे अच्छा हो। मैं चला भाई, मुझे गेम्स खेलने जाना है। बाय।